यदि आप इसको देखेंगे, आप यहाँ पे जैसे हमने नया लीड क्रिएट किया, हम जीरो से शुरू कर लें एक बारी। आपने थोड़ा बहुत हाँ जी, प्रैक्टिस तो किया है, लेकिन जीरो से हम शुरू कर लें। हाँ जी, वो ठीक है, बढ़िया ठीक है। है। तो कोई एक प्लान ले लेते हैं इसके अंदर। कौन सा प्लान लें? इसके अंदर ढेर सारे प्लान्स अवेलेबल हैं, तो ये लो रे जीवन लाभ, जीवन लाभ ले लेते हैं। ये या जीवन लाभ हमने ले लिया। जय ले लो सर, हाँ जी, जय ले लो सर, SSIP। SIP में लेने में ना, जो है SIP तो हम ले लेंगे, लेकिन इसके अंदर लेने में समस्या थोड़ी सी, सिर्फ इतनी सी है कि इसके अंदर एडवांस पैसा नहीं ले सकते। यहाँ से हमने जीवन लाभ छोड़ दिया और SIP शुरू कर अच्छा दिया इसके अंदर। इसमें समस्या थोड़ी सी सिर्फ इतनी सी आएगी कि इसके अंदर हम एडवांस पैसा नहीं ले सकते। बाकी कोई और करेंगे तो उसके अंदर एडवांस पैसा ले सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है जी। एडवांस पैसा का मतलब है कि जैसे ओपन BOC बना के शुरू में लीड क्रिएट करके हम लोग बाकी किसी प्लान के अंदर BOC बाद में अटैच कर सकते हैं, या तो फिर कैश या चेक के थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर कैश या जी चेक के थ्रू नहीं है, इसके अंदर डायरेक्टली सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही है। खैर कोई बात नहीं, अच्छा हम SIP ले लेते हैं। हमने यहाँ पे SIP ले लिया, प्रोसीड कर लिया, हमने यहाँ पे डिटेल डाला। आपके नाम से शुरू करें? कर दो सर। चलो ठीक है। आपका आधार के अंदर जो नाम जो रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आप कमल बताएं। कुमार, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप बताएं। 10/10/1979। 79 हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको 10 फरवरी कर लेते हैं। 10 फरवरी अंदर हमने यहाँ पर कर लिया। 101300602 04 यहाँ पर नंबर आ गया, व्हाट्सएप का नंबर आ गया। ईमेल आपका है क्या? कमल पवार, Kamal.Pawar हाँ, 1979@gmail.com। 1979@gmail.com। हाँ जी, ये हमने इसके अंदर कर लिया। रेजिडेंट स्टेटस हमारा इसके अंदर, आप यहाँ पे देखो कि जो पिछले वाला जो हमारा आनंदा जो पुराना था उसके अंदर सिर्फ रेजिडेंट इंडियन आ रहा था। आप इसके अंदर गौर करो कि इसके अंदर रेजिडेंट इंडियन के साथ में 3 नई ऑप्शन शुरू हो चुकी हैं। इसमें नॉन रेजिडेंट इंडियन भी आ गया। हाँ बोलिए बिल्कुल बोलिए, सौरभ सौरभ जी ये बोलिए। तो सौरभ जी कुछ कहना नमस्कार चाहते हैं आप सर। भी? हाँ नमस्कार सौरभ जी। जी आप कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं सौरभ जी? सर, ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। कैसी, क्या करना चाह रहे हैं? ओके, सर कुछ नहीं, तो कुछ नहीं सर। ठीक है। तो पुराने वाला जो था उसके अंदर रेजिडेंट इंडियन, सिर्फ रेजिडेंट इंडियन की ऑप्शन थी। नए वाला ये जो आनंदा 2.0 है, पहली बात तो ये कि सारे लोगों को अवेलेबल नहीं है। मैंने ढेर सारे DOs को और ढेर सारे एजेंट्स को पता किया है, उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो भाई हम लोग लकी हैं कि भाई हमारे पास अवेलेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम में भी कुछ साथी हैं जिनके पास नहीं है ये वाला आनंदा। मुझे लगता है कि ये जो आनंदा 2.0 है, जो कि ज्यादा आनंदा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिया गया है जो कि इक्का दुक्का करते हैं या तो बिल्कुल नहीं करते हैं, उनको इन्होंने दिया ही नहीं ट्रायल के लिए। तो खैर चलो, अच्छी बात है कि हमको ये मिला है, तो हम इसके थ्रू और ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये वाली जो ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि इंडिया के बाहर वाले बंदे का बीमा भी कर सकते हैं, FNIU OCI, तो ये इसके अंदर नई ऑप्शन है। आगे चलते हैं। यहाँ से हमने प्रोसीड किया, प्रोसीड करके यहाँ पे SIP का ये है हमारा, सेल्फ का पॉलिसी ले रहे हैं इसके अंदर। ये स्पाउस चाइल्ड, ये भी इसमें ऑप्शन नहीं दी गई है। नाम आपका आ गया, सारी डिटेल आपकी आ गई, प्रोडक्ट डिटेल। हम लोग प्रीमियम भरते हैं। कमल जी प्रीमियम कितना डालना है? 5,000 मिलने का। ये 5,000 हमने डाला यहाँ पे। इसमें ऑप्शन 10 गुना की है। टर्म कमल जी कितने साल की आपको चाहिए? 25 साल की मैक्सिमम है। 25 की लेनी है या कम की लेनी है? नहीं ज्यादा की है ये, 51-62, ये तो बड़ा लंबा ले गया। ये तो इसके अंदर तो 25 से ऊपर होती ही नहीं है, लेकिन ये तो ले गया 95 तक ले गया। और ये भाई साहब ये तो बहुत लंबा ले जा रहा है, इसको तो रोकना पड़ेगा, ये तो गाड़ी नॉन स्टॉप जा रही है। तो भाई साहब कितनी? 25, चलो हमको तो पता है 25 होती है, तो हम 25 तक ही रहेंगे। कमल जी 25 ही लेनी है कुछ और लेनी है? ठीक हाँ 25 कर दो तो 33 में कितनी है, दो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली? मंथली मंथली। अच्छा कर दिया। कैश के अंदर हमने इसको कर दिया। पुलिस पर्सोनल, तो पुलिस के अंदर तो आपका यस आएगा। फंड ऑप्शन आपको बॉन्ड, सिक्योर्ड, बैलेंस, ग्रोथ, कौन सा फंड लेना है? ग्रोथ फंड।
ग्रोथ लेना है। डेटा कमेंसमेंट इसके अंदर आज का आ गया। राइडर बेनिफिट ए बी रिक्वायर्ड, एडीडीबी रिक्वायर्ड, ए बी रिक्वायर्ड वाइल ऑन पुलिस ड्यूटी, ये आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ यस कर दो। चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका ए बी रिक्वायर्ड विद वाइल ऑन पुलिस ड्यूटी, ये इसमें समय शॉर्ट डाल दिया। अब चूंकि हम 10 गुना ले रहे हैं तो 5 हजार का 12 महीने का हो गया 60 हजार रुपये, 60 हजार का 10 गुना हो गया 6 लाख रुपए। तो यहाँ पे इसका छह लाख आएगा, अच्छा 6 लाख आ जाएगा। 6 लाख से हमने इसका कैलकुलेट प्रीमियम किया, कैलकुलेट प्रीमियम करके इसने यहाँ पे हमें कैलकुलेशन दे दी है। मंथली 5 हजार रुपये, ईयरली 60 हजार रुपये। हम अभी भी मोड ऑफ पेमेंट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें ये ऑप्शन दे रखी है तो चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रीमियम आपका 5 हजार का आ गया। आपका एज, टर्म वगैरह सब चीजें इसके अंदर दे रखा है। यहाँ से इसका बेनिफिट इलस्ट्रेशन है, थोड़ा सा बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकाल के इसको देख लेते हैं। बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकाल कर देखने का वजह ये है, अच्छा ये तो सेव ही कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं सेव कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने ये सेव कर लिया, और सेव करने के बाद इसको ये मैंने इसको खोल के देख लिया। आपकी स्क्रीन पर ये नहीं आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा आ गया सर। है। आ गया आपकी स्क्रीन पे? मैंने अभी नहीं, पहले आया था। हाँ अच्छा, पहले आया था तो ये मैंने आपकी स्क्रीन पर ये, चलो अच्छी बात है, बढ़िया। अब आया। अब आ गया आपके, तो ये आपके स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पे इसका बेनिफिट इलस्ट्रेशन के अंदर मैंने आपको क्यों दिखाया, आपको पता है मैंने आपको ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन इसका क्यों दिखाया? जी क्यों दिखाया? उसकी वजह ये है कि यूनिट लिंक का एक अकेला प्लान है जिसके अंदर ये आखिरी वाले जो कॉलम है ना, ये कमीशन, कमीशन अच्छा बोनस कमीशन, ये पूरा चार्ट सिर्फ यूनिट लिंक के अंदर बनाता है। बाकी कोई भी प्लान का आप यदि अनंदा के अंदर करोगे तो इसके अंदर ये नहीं बनाता है। तो ये आप ध्यान रखना, जब भी आप कस्टमर का यूलिप यदि कर रहे हो, ऑनलाइन यदि यूलिप कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि ये कमीशन का चार्ट बनाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? दोबारा से हम अनंता के अंदर आते हैं। आपको दोबारा से यही वाली स्क्रीन आ गई, पुरानी वाली? हाँ जी हाँ भाई, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ से हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आगे हम इसको चलते हैं, प्रोसीड कर लिया हमने। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे हमको डालना है एजेंसी कोड। ये मेरे वाले में आ रहा है एजेंसी कोड, आपके वाले में एजेंसी कोड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका एजेंसी सिर्फ एक ही है, मेरे पास तो टीम के सभी लोगों का आ रहा है। तो इसके अंदर हाँ जो एजेंसी कोड से भरा हुआ था अपने आप ही। नहीं, उसके वजह ये है, क्योंकि मैं आपको एक और वजह बता देता हूँ। जब इसके अंदर हम लॉग इन करते हैं, जब लॉग इन करते हैं सेल्स चैंपियन वाली जब स्क्रीन आती है, तो वहां पर क्या होता है, लॉग इन करते समय उसमें तीन ऑप्शन है। यहाँ पर हम इसमें एक बार देखने की कोशिश करते हैं, तीन ऑप्शन कौन कौन सी हैं। तीन ऑप्शन कौन सी हैं? ये वाली तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तीनों ऑप्शन? मैं लॉगिन करके देख लेता हूँ सर एक बार। नहीं आपकी स्क्रीन पर तीनों ऑप्शन नजर आ रही हैं लॉगिन करने की, कस्टमर, सेल्स चैंपियन, एम्प्लॉय? मेरी नहीं सर, ये आ रहा है तो नहीं आ रही? ठीक फर्म तो वो जो खोला करता ना वो दिख रहा है सर है, ये। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं आपको ये तीनों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर एक बार दिखा देता हूँ। और ये वाली स्क्रीन अब आ रही है, ठीक हाँ जी है? तो ये तीन इसके अंदर ऑप्शन क्यों आ रही है, कस्टमर, सेल्स चैंपियन, एम्प्लॉय? मुझे लगता है ये कस्टमर को भी शायद हो सकता है ये इसमें ऑप्शन देने वाले हैं कि भाई कस्टमर भी यदि चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको देख सकता है, सिर्फ उसका जो प्लान बनाया गया है शायद उसको डायरेक्टली देख सकता है, शायद ऐसा कुछ वो कस्टमर के लिए कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। सेल्स चैंपियन में नेचुरली एजेंट्स और डीओस का होगा कि भाई जो सेल्स के लोग हैं वो देख सकते हैं। एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय वाला ऑप्शन क्यों दिया गया है? क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ग्रीन चैनल और नॉर्मल चैनल खत्म कर रहे हैं। अब ग्रीन चैनल और नॉर्मल चैनल खत्म करेंगे तो LIC, जो आप कागज का फॉर्म लेके जाएंगे, तो वो LIC एम्प्लॉय जो भी वहां पर बैठे होंगे वो इसको यहाँ से लॉग इन करके, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कुछ वो एम्प्लॉय लॉग इन में जो एनबी डिपार्टमेंट वाले हैं शायद यहाँ से लॉग इन करके, ये जो एम्प्लॉय वाला जो हाँ लॉग इन है शायद यहाँ पे लॉग इन करके उसके बाद आपका प्रपोजल वहाँ पर टाइप करेंगे, हो सकता है ऐसा कुछ हो। तो या तो नीचे ये भी लिखा हुआ है, पीएमओ कैन ब्रांच मार्केटिंग ऑफिशियल्स कैन क्लिक ऑन एम्प्लॉय टू लॉग इन, शायद ऐसा भी है कि ब्रांच मैनेजर यदि लॉग इन करना चाहें तो शायद इधर से कर सकते हैं। जो भी इनका रहेगा वो आगे की बात है, फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं कि इसके अंदर और आगे क्या था। ये हमारा ऑप्शन आ गया है। आपकी पुरानी वाली स्क्रीन को एक बार दोबारा से हम लोग इसमें समझ लेते हैं, हमारी पुरानी वाली स्क्रीन कहाँ पर है। ये वाली हमारी पुरानी स्क्रीन एक बार फिर से आ गई है। यहाँ पर आपका हाँ एजेंसी जी कोड आ गया, सब डिटेल आ गई है, हमने इसको अपडेट कर दिया।
अपडेट करने के बाद हमने इसको यहाँ पर प्रोसीड टू प्रपोजल कर दिया। प्रोसीड टू प्रपोजल करने के बाद, और इसको आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके पास आपको CKYC का नंबर है या नहीं है? नहीं नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसको नो किया। जब इसको नो करेंगे तो आपको पैन नंबर या तो आधार नंबर बताना है। आप पैन नंबर बताएंगे या दूंगा, तो आधार नंबर बताएंगे? हाँ तुम्हें बता देती, मुझे तो बता। बताइए। संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरे संजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? पेन या तो अपना आधार नंबर बताइए तो आधार नंबर से यहाँ पर आ जाएगा, या तो पैन नंबर बताएंगे तो पैन नंबर से यहाँ पर आ जाएगा। अभी फिलहाल दोनों पोर्टल चल रहे हैं, कम से कम आपके लिए तो चल ही रहे हैं, बाकी दुनिया के लिए तो हो सकता है पुराना वाला चल रहा है। आपके पास इस समय दोनों के अंदर ऑप्शन है कि आप पुराने वाले का और नए वाले का दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पुराने वाले के थ्रू पॉलिसी नंबर लगाना चाहें तो उसके थ्रू लगा लीजिए, लेकिन जब नए वाला आपके पास ठीक अवेलेबल हो चुका है तो आप नए वाले के द्वारा भी लगा सकते हैं। अभी जी बताइए, पैन नंबर क्या है आपका? ला रहे थे, ढूंढ के ला हाँ रहे हाँ ले आइए, आप पैन नंबर अपना ले आइए। पैन नंबर आप अपना ले जब ले आएंगे तो इसको हम यहाँ पर, इसको पैन नंबर को डाल के और इसको कंप्लीट कर लेंगे। सर। KYC क्या है? KYC हेलो, जाती कैसे बंद जी कैसे बताएं। होगी आवाज? हेलो, हाँ बताइए बताइए। दीप्ति मैडम नमस्कार। नमस्कार। वो पर CKYC सर क्या है? CKYC क्या है? समझ नहीं आया क्या मैडम। CKYC, CKYC मतलब सेंट्रल KYC रजिस्ट्री है? नंबर है। सेंट्रल KYC रजिस्ट्री नंबर इस वजह से दिया जाता है कि यदि सेंट्रल KYC रजिस्ट्री नंबर आप इसके अंदर डाल देंगे तो उसके द्वारा आपको, शायद मुझे ऐसा लगता है कि OTP डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कमल जी अपना पैन नंबर ले आए या तो अपना आधार नंबर ले आए तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ें। अब हम देखो कमल जी सर, की, हाँ बताइए क्या डाले, कब पैन या एक आधार, बार क्या डालें क्या डालें? पैन पेन पेन नंबर, पेन बोलिए 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 बताइए। ARNPK ANPK 24 2645, 24265, नहीं, 24 2645, 2645, 2645, नहीं, ARNPK हाँ जी, 2645। 2645, ओके ओके। ARNPK 2645, डेट ऑफ बर्थ 10/2/79, एम एंटर एम वैलिड पैन नंबर ARM, एम एम नहीं, लास्ट में एम सर। लास्ट में M है, ठीक है ओके। फेच KYC डिटेल, ये फेच KYC डिटेल अब इसमें इन्होंने लिखा है तो मैं दबा देता हूँ, और दबाने के बाद यहाँ पर OTP सेंट, आपका जो पैन नंबर आपने अटैच किया है उसका OTP आपको जा चुका है। आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, मुझे लगता है ये वो जूम की जो मीटिंग है, 40 40 मिनट बाद जो डबल करेक्ट। हाँ बताइए। 6 6 0 1 8 9। इसको ये कहाँ पर डालना है? अच्छा ये वहीं पे था सर ऑप्शन। वहीं पे ऑप्शन था। अच्छा ये हाँ तो जी, चलो, ये दोबारा से इसको, ये इसमें ओके ये दोबारा आया होगा आपके पास। अच्छा हाँ वो ऑप्शन वहां पर था, वो हमें सिक्स यहाँ पर फोर दिखता था। हाँ 5-0। 6 4 6 5 5 3 5 3 5 3। अच्छा अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये 5-3 हमने डाल दिया है, ये OTP हमने वेरीफाई कर दिया है, आपकी फोटो आ गई है, CKYC नंबर भी आ गया है, और आपका अपडेट डेट भी आ गया है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सीकेवाईसी नंबर जेंडर। क्या है सर? हाँ सीकेवाईसी नंबर क्या है? 10042991581, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, आपका एड्रेस आ अच्छा, चुका है। ये आई वॉन्ट टू प्रोसीड इन विथ, हाँ फ्यूचर के लिए ये ये सीकेवाईसी तो नंबर आप जब पर भी काम जब करेगा? भी जब भी लॉगिन करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास आ ही जाएगा। CKYC नंबर है तो OTP डालने की जरूरत नहीं है,
सीकेवाईसी नंबर नहीं है तो ओटीपी डालने की जरूरत है। मैंने सीकेवाईसी के साथ ये यस कर दिया सीकेवाईसी है। नंबर काम करेगा सर आगे के लिए? हाँ मुझे ऐसा लगता है कि सीकेवाईसी डाल देंगे तो शायद बाकी डिटेल आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वहीं से उठा लेगा। ये सब डिटेल इसने यहाँ से उठा ली है। और आपकी यहाँ पे मदर नेम, मोबाइल वगैरह सब, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको डालना है क्या? नहीं, अच्छा ठीक है, ये जूम की मीटिंग होती है जो 40 मिनट में अपने आप कट जाती है, तो मुझे लगता है यदि ये कट जाएगी तो दोबारा से उसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे तो आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो मैरिटल स्टेटस में हम इसको डाल लेते हैं मैरिड, प्लेस ऑफ स्पाउस नेम श्रीमती कविता। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका कमल जी? यूपी। ओके, ये यूपी हो गया, रेजिडेंट इंडियन हो गया, आईटी एसएससी आप हैं, ये पैन नंबर आपका आ गया, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, टैक्स रेजिडेंसी आउटसाइड इंडिया नहीं है, एड्रेस आपका, आपका एड्रेस यही वाला लेके चलना है शादरा वाला या चेंज करना है? चेंज करना है सर वैसे तो, पर लेकिन एड्रेस अभी बोले चल रहा है ये रहना। चलो अभी यही वाला रहने देते हैं, लेकिन चेंज की ऑप्शन है, यदि चेंज करना चाहें तो चिट्ठी जो पॉलिसी बॉन्ड आएगा वो नए वाले उस पर आएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस मार्केट लिंक रिटर्न आ गया, रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव, टैक्स ब्रैकेट आपका टैक्स ब्रैकेट 30% में आता है, 20 में यहाँ पर हमने कर दिया इसको। सिक्योर्ड लोन आपका कुछ है, अनसिक्योर्ड लोन आपका कुछ है, एम्प्लॉयमेंट नहीं इनकम अच्छा, इसमें अप्रॉक्सिमेट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी अपनी। अच्छा यदि लोन है कोई सिक्योर्ड लोन ले रखा है, कोई अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है तो अमाउंट डाल दीजिए। आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम अच्छा अप्रॉक्सीमेटली कितनी लिखे हैं? लिख लो सर 9 लाख। बिजनेस इनकम, एचयूएफ इनकम, अदर इनकम, लाइफ इंश्योर्ड इनकम, ये सब चीजें आपकी इधर हो गई हैं। ऑक्यूपेशन डिटेल, यहाँ पर ये ऑक्यूपेशन डिटेल है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, सर्विस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, पुलिस सर्विस, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एम्प्लॉयड सैलरी, एजुकेशन कितनी है, एजुकेशन कितनी है कमल जी आपकी? ग्रेजुएट ग्रेजुएट ठीक कर दो सर। सर हमने कर दिया। लेंथ ऑफ सर्विस, कितने साल कितने महीने की सर्विस है? 22-30 साल। ओके, 23 साल और 0 महीने। इसके नहीं नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर ये दिल्ली पुलिस, और एनुअल इनकम, एनुअल इनकम हमने कितनी डाली थी? 9, 23 साल 7 महीने हो गए थे। 23 साल 7 महीने। ओके, हम इसको 7 कर देते हैं, ये हमारे 7 हो गए। पुराने साल की इनकम डालना चाहें तो डाल सकते हैं। प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई डू नॉट हैव एनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी इन फोर्स। पुरानी कोई इनफोर्स पॉलिसी है या लैप्स पॉलिसी आपकी है? यदि आपको ऐड करनी हो तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अदर इंश्योरेंस, क्योंकि हमारे पास समय कम है इसलिए हम इसको फटाफट फटाफट करेंगे, अदरवाइज इसमें सारी की सारी ऑप्शन दे रखी हैं। अदर इंश्योरेंस सर्विस, यदि आपके पास पॉलिसी है तो डिटेल डाल दीजिए, यहाँ पे डिटेल डालने की जगह है, नहीं है तो यहाँ पे टिक मार दीजिए कि अदर हाँ अदर इंश्योरेंस कंपनी कंपनी, चुने क्यों हाँ जो भी पॉलिसी है यहाँ पे डाल दीजिए। आपके पास इंश्योरेंस कंपनी कौन सी उसे? है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम आ रहा है, पॉलिसी नंबर क्या है, सम अश्योर कितना है, और यदि नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री हमको डालनी है, फादर की एज कितनी है, फादर की एज कितनी कमल जी? 65 यहाँ पे 65, यहाँ पे आपने डाल दिया, यहाँ पे आपने स्टेट ऑफ हेल्थ डाल दिया, मदर का, यहाँ पे आपका एज हो गया, मदर का एज इस समय कितना है, नहीं, मगर नहीं है सर। तो मदर का यहाँ पे हम इसके अंदर लिखेंगे कि मदर नहीं है, और जिस समय डेथ हुई थी उस समय कितने साल की थी? 60 साल की। भाभी जी आप भी आगे आ जाओ, आप पीछे पीछे चुपके मत बैठो, सामने रहो। कॉज ऑफ डेथ क्या है? भाभी जी नमस्ते, कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, आ जाओ आ जाओ सामने आ जाओ, कोई बात नहीं, कहीं घर के ही लोग हैं सारे, बाहर के लोग नहीं है, आ जाओ। कॉज ऑफ, वो मेहंदी लगाते सर। अच्छा, कॉज ऑफ डेथ क्या है? वो अच्छा, ठीक है, कॉज कॉज ऑफ डेथ क्या है? बीमार थे सर, ये किडनी यहाँ किडनी फेल हो गई सर। पे हम किडनी फेल लिख सकते हैं, यहाँ पे हम जो भी बीमारी है वो लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐड मेंबर का ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट, 10 मिनट में मीटिंग खत्म भी होने वाली है, तो आप इसको जो है ऐसा ही मान के चलिए कि 10 मिनट के अंदर ये खत्म होने वाली है। और यहाँ पे ना
ऐड मेंबर करेंगे तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे इसके अंदर ये स्पाउस का, डॉटर का, का ब्रदर का, सिस्टर का, सन का सारा ऑप्शन आ रहा है, वो सब आप डाल लीजिएगा। मैं फिलहाल इसको नहीं भर रहा हूँ, लेकिन भरना जरूरी है। बिल्कुल बैंक अकाउंट डिटेल, यहाँ पर आपको IFSC कोड, अकाउंट नंबर वगैरह ये सब चीजें भरना है, नेच वगैरह, क्वेश्चन ईयर इसके अंदर सारे के सारे दे रखे हैं, पर्सनल हिस्ट्री के बारे में। मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास सिर्फ आखिरी के 9 मिनट का बचा है, तो जी मैं कहीं सर, ऐसा ना हो कि हमारा ये बीच में छूट जाए, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। अदरवाइज सिंपल है, आप तसल्ली से इसको भर सकते हैं। हाँ और जी, ये अभी तो तो मुझे हमने जूम पर किया है, जूम पर लिमिट होती है कि पता भाई 40 मिनट में मीटिंग खत्म होती है। आप कस्टमर के पास यदि वीडियो था। कॉल पर भरें तो आप इसको जूम पर ना करें, आप इसको जूम पर करने के बजाय गूगल मीट पर करें, जिससे कि आपको समय का दिक्कत ना आए, क्योंकि उसमें समय की लिमिट नहीं होती है, मीटिंग लगातार चलती रहती है। तो हमने इसको रिकॉर्डिंग के पर्पज से यहाँ पर जूम पर किया था कि यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है, गूगल मीट में रिकॉर्ड नहीं होता है। पर्सनल हिस्ट्री के बारे में है, कोई किसी तरह का बीमारी हुआ, स्टेट ऑफ हेल्थ के बारे में है, स्टेट ऑफ हेल्थ आपका क्या है, हाइट कितनी है कमल जी आपकी? 183 183। आपका वजन कितना है? 82 82। इसी तरीके से यहाँ पर बाकी ये सिंपल सिंपल हैं। आप यदि इसको देखेंगे, सेटलमेंट ऑप्शन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल, पुराना पॉलिसी का डिटेल। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास आखिरी के कुछ ही मिनट बचे हैं, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। बीमारियों के बारे में है, यस नो, कोई किसके आने की बीमारियां वगैरह उम्मीद हैं है? कि नहीं। भी है, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, कोई परिवार के अंदर कोई बीमार हुए ये हैं। खन्ना साहब आपकी आवाज आ रही है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? भी हैबिट्स के बारे में नहीं आप सर, कॉल वगैरह नो लेते सर, हैं? ठीक नो है सर, ठीक है ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। माइक ऑन है आपका खन्ना साहब, तो ठीक आपकी है। वो हैबिट्स के बारे में है। तो माइक ऑन कर दे, ये सब कंप्लीट कर लेंगे, जब ये फोन सब कंप्लीट कर लेंगे और इसको कर प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करने के बाद अभी फिलहाल ये आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमने सारे कॉलम इसके अंदर भरे नहीं है। सारे कॉलम यदि हमने जी इसके अंदर भरे होते तो ये ऑटोमेटिकली आगे चला जाता एजेंट रिपोर्ट वाले पर, लेकिन हमने कॉलम इस वजह से नहीं भरे क्योंकि समय हमारे पास कम था और हमें कम समय में इसको कंप्लीट करना था। लेकिन आप इसको लॉग इन करें, लिंक आपके पास है, और लॉग इन करके और इसको पूरा का पूरा अपने नाम से एक एक जरूर इसको भरें। एक तो बस सर, एक तो ओटीपी, अगर वो आधार, हमने आधार या सी को पेन ओटीओ किया तो एक तो ओटीपी बस वहां पे आएगा। जी आसान है, आसान है, पहले वाले से आसान है। पहले वाले के अंदर पूरा का पूरा ढेर सारा वो कई सारी चीजें भरनी पड़ती थी, तो उस वाले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान है ये। तो एक तो इसका डिजाइन आपको कैसा लगा? डिजाइन तो बहुत अच्छे सर। डिजाइन भी बढ़िया है, प्लान भी ज्यादा है, 30 की जगह 34 प्लान इसके अंदर कर दिए हैं, बच्चों वाले प्लान भी इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब आप पुराने वाला करने के बजाय इसी का इस्तेमाल करें, बस एक थोड़ा सा ध्यान ये करिएगा। हेलो बेटा, आप बिठा लो उसको आगे, नमस्ते कमल जी आगे बिठा लो उसको। हाँ बेटा नमस्ते बैठ जाओ, कोई बात नहीं बेटा, बैठो। हाँ 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 बैठो बैठो बैठो। हाँ तो आप इसमें ध्यान थोड़ा सा ये करें कि इसमें चेक की कॉपी या तो पासबुक की कॉपी या तो बैंक स्टेटमेंट की कॉपी डालना जरूरी है। जैसे आप पुराने वाले अनंदा के अंदर बिल्कुल करते थे कि पुराने वाले में सिर्फ बैंक डिटेल डाल देते थे और सिर्फ बैंक डिटेल डाल के आपका काम चल जाता था, इसके अंदर बैंक डिटेल डालने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर आपको चेक की इमेज भी लगानी है, उसके ऊपर नाम आपका छपा होना चाहिए, चेक या पासबुक या बैंक स्टेटमेंट उसकी इमेज भी लगानी है, बैंक का आपकी डिटेल उसके अंदर छपी होनी चाहिए आपके नाम के साथ। वो थोड़ा सा ध्यान करिएगा, वो इसके अंदर अपलोड करना जरूरी है। तो ये सब करके आपका पॉलिसी नंबर लग जाएगा, इजी। आपको कुछ इसके अंदर मुश्किल लगा तो बताइए। नहीं सर, सिंपल है अभी तक तो सारा। ठीक है, बढ़िया। नए वाले का शुरुआत कर लीजिए, कागज वाला भरने की बजाय अब इसी के ऊपर 100% आप आ जाइए और हेलो इसी के द्वारा ही आप इसको कंप्लीट करिए। हेलो, बताइए बताइए बताइए। आवाज शायद कनेक्शन आवाज मेरी तरफ से, करके आवाज ओपन है, मेरी तरफ से आवाज के अंदर कोई समस्या नहीं है, बताइए बताइए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं कमल जी? ओके जी तो बाकी साथियों को इसके बारे में, जो आज हमने थोड़ा सा अनंदा का प्रैक्टिस किया, अनंदा 2.0 का प्रैक्टिस किया, तो बाकी साथियों को इसके बारे में कैसा लगा? और कोई साथी बताना चाहेंगे? अग्रवाल साहब आप बताना चाहेंगे? तो अभी तक हमने बहुत प्रैक्टिस किया। हाँ हरि बहुत राम अच्छा बोलिए। लगा जी जी, जितनी हम डिटेल देते हैं तो उसमें दिक्कत कम आती है पार्टी को, क्लाइंट को, एज द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है और बड़ी जल्दी पूरा होता है फॉर्म, बशर्ते हम डिटेल जो ये मांगते हैं ना एक रफ जी कागज पे अगर हम पहले से लिख लेते हैं, फिलिंग करने में बहुत आसान रहती है। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, आसानी से यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक बात,
जैसे कि हम चेक एनपी के की अंदर हमारे जब, पास लीव है, चेक की लीफ है हमारे पास, तो हम सारी चीजें, छह की छह चीजें आराम से दे सकते हैं, और लीफ ही नहीं वही होगी तो हम दे ही नहीं सकते। बार बार मांगेंगे तो कस्टमर ना इरिटेट हो जाता है, यार ये तो बार बार आपकी कॉल कर रहे बात, हैं हमें। हाँ वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो आप आमने सामने भी भर सकते हैं, आप अपने फोन के द्वारा या तो लैपटॉप के द्वारा या टैब के द्वारा, आप कस्टमर के सामने बैठे हैं वहीं पर आमने सामने बैठकर भी भर सकते हैं आनंदा का पूरा, या तो यदि आप चाहें तो आप वीडियो कॉल पर भी भर सकते हैं, जैसे अभी हम वीडियो कॉल पर पूरा का पूरा भर रहे थे, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिस्टम जैसे अच्छा कि है, हाँ, सिस्टम तो पुराना अच्छा है, तरीका लेटेस्ट सिस्टम है और टाइम कम लगेगा इसमें, और बट कस्टमर के सामने है तो कस्टमर को ना विश्वास ज्यादा जमता है फिर। जी, ठीक है। तो और कोई हरिराम जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये नया तरीका जो फॉर्म भरने का, जो आज आपने देखा, पहले कागज का फॉर्म आप भरते थे या तो पुराने आनंदा के द्वारा करते थे, आज आपने देखा कि पैन कार्ड के द्वारा भी हो जाता है, आधार का ओटीपी की जरूरत नहीं है, पैन कार्ड के थ्रू हो जाता है। हरिराम जी, जी और सर, कोई ठीक साथी है। कुछ इसके बारे में बोलना चाहेंगे? प्रतपाल सिंह जी नमस्कार, दीप्ति मैडम, संजीव जी, रेखा मैडम सर जी बताइए। मैं कह रही थी आपके से चेक भी लगाना है इसके साथ, तो अटैचमेंट आती है इसमें आगे करके? हाँ, इसमें चेक का फोटो खींचकर आप पहले से रेडी रखिएगा, आप अपने मोबाइल फोन में या तो अपने, उसमें कस्टमर का नाम भी लिख के रखना। नहीं कस्टमर का नाम लिख के नहीं रखना है, चेक के ऊपर ऑलरेडी नाम छपा हुआ होता है, जो नाम छपा हाँ हुआ हाँ वाला चेक छपा, है वही वाला चेक, हाँ वही वाला चेक लेना है सॉरी आप। नहीं हाँ सॉरी, बिना, एलआईसी का मेंशन करना है इसमें। नहीं कुछ नहीं मेंशन करना, आप इस वाले प्रपोजल के अंदर उसको ऐड कर रहे हैं, चेक का फोटो खींच के आपने उसको यहाँ पर डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रपोजल के अंदर वो अटैच हो गया ना। जैसे आप अपना कागज वाला फॉर्म लगाते हैं तो कागज वाले फॉर्म में चेक की कॉपी लगाते हैं, कैंसिल चेक लगाते हैं, तो यहाँ पर आप कैंसिल चेक नहीं लगा रहे, उसकी फोटो खींच के लगा रहे। सर और भी कुछ चेंज हुआ है? हाँ जी, और भी कुछ चेंज हुआ है ऑनलाइन करने के लिए, जैसे उसमें चेक बस पहले नहीं था सिंपल है, अब? बाय एजेंट रिपोर्ट भरनी है जैसे पहले आप भरते ठीक थे अनंदा के अंदर, जिस तरीके से अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये है कि तो इसमें उन्होंने सर ऑप्शन, जैसे, हाँ ओटीपी, जैसे इसमें ओटीपी 4 से 2 हो गए हैं कह रहे हैं ना, हाँ ओटीपी में आपको फायदा एक रहेगा कि तो ओटीपी आपको बार बार मांगना नहीं पड़ेगा, पहले से ज्यादा इसका जो इंटरफेस है वो पहले से ज्यादा आसान है, सुंदर है, देखने में सुंदर तरीके से बनाया गया है, तो देखने में अच्छा लगता और है। सर और सर जैसे एक तो ओटीपी आधार या पैन के टाइम पे आता है, और दूसरा ओटीपी पूरे कंप्लीट करने पे? हाँ कंप्लीट, जब प्रपोजल आप पूरा कर लेंगे इसको, आपको यदि आप इसके अंदर ये वाला वीडियो देखें, मैंने ग्रुप के अंदर वीडियो भेजा था, यदि आप इस वाले वीडियो को यदि देखेंगे, हाँ सर, हाँ वो पूरा नहीं देखा मैंने, पूरा जी कोई नहीं देख पाई मैं। बात नहीं, वो वाला वीडियो यदि आप देखेंगे तो उस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बता रखा है, जब प्रपोजल आपका फॉर्म पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इसका चाहिए ओटीपी, उस समय ओटीपी चाहिए ये वाला आपका, ये आप यदि देखना चाहें तो मैं आपको हमारे पास हाँ आखिरी सर के वो एक की, ऑप्शन, वो आधा देखा मैंने, फुल नहीं हाँ देख हाँ पाई थी। जी, हाँ जी ठीक तो आप इसको दे जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके काम आएगा, ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर, यहाँ पे आनंदा, मैं इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर कर लूंगा क्योंकि समय थोड़ा हमारे पास कम है, हमारे पास आखिरी का 1 मिनट रह चुका है, यहाँ पर इसके अंदर ये बता रखा है किस किस तरीके से करना है, सारे के सारे स्टेप यहाँ पर, सर स्टेप बाई। हाँ सर एक चीज और है, जैसे हम आपको चेक करवाते हैं ना, ये तो प्रोसीड पे चला जाएगा, फाइनल हो जाएगा, और जैसे आप चेक करके हमें बता देते हैं हमने ये नहीं करा वो हाँ नहीं करा, तो वो चीज कैसे हम वो करेंगे? सिंपल है, कोई इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है इसके अभी तो इसके अंदर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, आप इसको पूरा का पूरा अच्छा कंप्लीट करके जो भी डिटेल इसके अंदर एक्चुअल मांगी गई है बस उसके हिसाब से भरना, मेडिकल वगैरह होएगा तो उसके लिए टेलीफोन मेडिकल की कॉल आ जाएगी कस्टमर को, सो विश यू ऑल नहीं द जैसे बेस्ट, एक बढ़िया बार, ठीक जी, है ठीक, ये कॉल एक्चुअली कुछ सेकंड के अंदर ही ऑटोमेटिकली कटने वाली है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, कुछ भी और हो तो मेरे को आप अलग से पूछ लीजिए, मैं अलग से बता दूंगा आपको, विश यू ऑल द बेस्ट, आप यहाँ पर आए बहुत बढ़िया लगा कि सभी आपने इसको सीखने का कोशिश किया, आपके पास जो इंडिविजुअल लिंक है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ठीक है, नमस्कार।